चंडीगढ़ भले ही इस त्योहारी सीजन दे विच कंज्यूमर मल्टीप्लैक्स ना गए होण पर उन्हां दे वल्लों कारां दी खरीदारी दे विच कोई कोताही नहीं वरती गई है। इस नवरात्रि देश दे विच कारां दे शोरूम दे बाहर लंबियां कतारां देखण नूं मिलियां। डिलीवरी पीरियड दे विच आई गिरावट वधी सप्लाई अते मजबूत रुकी हुई मंग दे चलदे देश दा टॉप 5 कार मेकरां ने इस नवरात्रि दे विच बंपर बिकवाली कीती है। उधर गल की जाए कार डीलर की तो धनतेरस अते दिवाली दे त्यौहार ते रिटेल ऑटो बिक्री पिछली बार तो यह आंकड़े वधे ने, क्योंकि लोग दुपहिया वाहन छड़ के कारा दे विच दिलचस्पी दिखा रहे ने ते छोटिया कारा की डिमांड भी ज्यादा है। लग्जरी गड्डिया दे इस बार पिछली बार की तुलना दे विच ज्यादा बुकिंग आ रही है ते जो धनतेरस ते कार डीलर का कहना है कि उन्होंने कोल बुकिंग इन्नी हो चुकी है कि खुद होर बुकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि गड्डिया उन्होंने कोल कटने ते इन्हां गड्डिया की बुकिंग ओह नहीं दे सकणगे। यानी कि पिछले 2 साल के मुकाबले इस साल कारा दे विक्री दे विच काफी इजाफा होया। धनतेरस का अक्सर है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, अच्छा माना जाता है धनतेरस के लिए मंगाई, क्यों नहीं धनतेरस पे ही क्यों दिवाली क्यों नहीं, धनतेरस पे कराएंगे दिवाली तक आ जाएगी तो बुकिंग थोड़ा सा। धनतेरस शुभ माना गया कोई नई चीज़ माना गया, घर वाले मानते हैं कि घर पे कुछ आए तो अच्छा होता है। धनतेरस है तो इसलिए शुभ दिन है तो इसलिए गाड़ी बुक करा रहे हैं, गाड़ी तो हम लेंगे 1-2 हफ्ते बाद पर आज दिन अच्छा तो इसीलिए गाड़ी बुक कर रहे हैं। धनतेरस शुभ दिन माना गया है तो धनतेरस पे ही गाड़ी लेंगे। बिल्कुल कराते हैं जी, I-20 लेन लगी है जी, धनतेरस बहुत शुभ मनाया जाता है जी, वो करके बस गाड़ी बुक कराइए, धनतेरस की गाड़ी लगाएंगे, उन पेमेंट वेमेंट करा दी डिलीवरी की। ओते ही कार डीलर ने अते टू व्हीलर डीलर दा दावा है कि इस धनतेरस अते दिवाली दे मौके ते आटो इंडस्ट्री दी रिटेल बिक्री इस बार चंडीगढ़ दे सारे रिकॉर्ड तोड़ देवेगी। जबकि इस अवधि दे दौरान मारुति दे डीलर दा कहना है कि एह त्योहारी सीजन रिटेल बिक्री दे लिहाज तो उन्हां दे लई काफी चंगा रहा है। ग्राहक व्यक्तिगत मोबिलिटी ते ज्यादा फोकस कर रहे ने ते जिस दे नाल उन्हां नूं काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है ते नाल ही उन्हां इह वी उम्मीद जताई है कि धनतेरस ते दिवाली दी शुभ मौके ते बुकिंग अते खुदरा बिक्री दी इह तेजी जारी रहेगी। पिछले 2 सालां दे और हुण दे फर्क च तो फर्क है, कस्टमर मार्केट च है, अवेलेबल है। ईवन कल असी लास्ट 3 दिन का वॉक इन भी देख रहे हैं तो 3 दिन का वॉक इन अराउंड 10-15 कस्टमर साढ़े को विजिट कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जो गड्डी वो मांग रहे हैं आके, ईवन क्रेटा होगी या वरना डीजल होगी या वेन्यू डीजल होगी, सो ये प्रोडक्ट साढ़े को रेडीली अवेलेबल नहीं है। सो असी उन्होंने कस्टमर को ये कह रहे हैं कि वो मांग रहे हैं धनतेरस से आके कि धनतेरस से गड्डी दी जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो गड्डियों का वेटिंग ही 1-2 महीने 2-3 महीने का वेटिंग पीरियड अलग अलग गड्डियों के ऊपर वेरी कर रहे हैं। सो असी कस्टमर नूं मोल्ड कर रहे हैं या आइदर दे गो फॉर अ पेट्रोल वर्जन या फिर थोड़ा वो वेट कर रहे हैं। सर इस दिन धनतेरस से बुकिंग ज्यादा आ रही है धनतेरस से बुकिंग अच्छी बुकिंग आ रही है, धनतेरस लिए कस्टमर सानू कह रहे हैं कि तुसी धनतेरस सानू गड्डी डिलीवर कर दो। सो उस दे ऊपर मेरा अच्छा लाइनअप भी बनया हुआ है, लेकिन कुछ एक मॉडल्स हैं जिहड़े साडे कोल पिछों हुंडई कोल या साडे कोल या तुसी नॉर्मली देखिया होगा आज दी रेट च हर गड्डी ही वेटिंग ते हैगी, एलोकेशन ते हैगी। सो थोड़ा जिहा इस चीज़ नूं लैके इशू रहिंदा है, असीं कुछ दिवाली तों बाद कस्टमर नूं कह रहे हैं कुछ लै लो गड्डियां या नैक्सट मंथ एलोकेशन हो पाएगी। सो एकदम रेडीली देना एकदम साडे लई पॉसिबिलिटी नहीं हैगी। इस बार और इस बार के लास्ट ईयर अगर आप कंपैरिजन करते हो, दिस ईयर कंपैरिजन करते हो तो अच्छी ग्रोथ है लोगों का। पहले कोविड के कारण लोगों के पास पैसे वगैरह के अरेंजमेंट वगैरह नहीं हो पाता था, बट अब मार्केट में कोविड का कोई ऐसा है ही नहीं है, तो अब क्या है कि रिटेल लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। सर किस तरह की गाड़ियाँ जो हैं टू व्हीलर में हाई रेंज की या लो रेंज की बिक रही हैं? मिडिल रेंज की बिक रही है गाड़ियाँ, जो मिडिल रेंज में आती है ऑटो गियर सेगमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। क्या रेट इनका जो है? इनका रेट है आपका 72,000 से शुरू हो जाते हैं ये गाड़ियाँ और 85,000 रुपये तक। फेस्टिवल में इस बार बहुत ज़्यादा धूम है और बहुत ज़्यादा वेटिंग है कार्स की, तो उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा रश है, बिकॉज ऑफ लोग अपनी सेफ्टी और सुरक्षा को लेके अब टू व्हीलर से फोर व्हीलर की तरफ बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं लास्ट 2 साल से। सर क्या वजह मानते हैं? कई कंपनियों ने लुभाने ऑफर भी दिए हैं, और कौन सी गाड़ी ज़्यादा बिक रही है सेगमेंट में? छोटी कार के अंदर एक्सप्रेसो, सिलेरियो, वैगनार और ब्रिजा बहुत ज़्यादा सेल हुए हैं, बिकॉज ऑफ इसके फीचर्स भी इतने अच्छे हैं और सेफ्टी की रेटिंग की बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी,
प्राइस को लेके बहुत कॉम्पिटेटिव प्राइस है मारुति के, और सर्विस मेंटेनेंस बहुत सस्ती रहती है, तो इसलिए लोग मारुति कार को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपको लगता है कि पिछले दो साल के सारे रिकॉर्ड टूटे? सब पिछले दो साल के 100% रिकॉर्ड टूटेंगे, बिकॉज ऑफ बहुत रश है शोरूम में, और धनतेरस के लिए तो इतना ज़्यादा रश है कि हमें शोरूम सुबह 6 बजे ओपन करना पड़ेगा, जिस हिसाब से रश लग रहा है। दस दी कि टाटा मोटर्स दे ली ਇਹੀ ਤਿਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਪੈਸੰਜਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 38 ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।